ना है तो आप मारूं पड़ेगा तुम्हारा। अपना मलूक सा चेहरा कर लीजिए सर, जिससे कि आपका फोटो भी अच्छा आ जाए। वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके बारे में बताओ, बताओ इसके बारे में। सर ये जेसी भी है हमारे लिए। हाँ, हमारे लिक्विड प्रेशर पर आधारित है। अच्छा, इसको हम किसी प्रेशर के रूप में यूज करते हैं। चला के दिखाओ। बहुत बढ़िया, इसको चला के दिखाओ। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाएगा तुम्हारा फोटो। ये क्या बना रहे हो सनी, इसके बारे में बताओ। बैठ के बताओ। बोलो, जल्दी बोलो इसके बारे में। टाइम बॉम है, टाइम बॉम। ये टाइम बॉम नहीं है सर। क्या है ये? इलेक्ट्रिक मोटर है सर, इसमें सभी प्रकार के बॉम सिस्टम है। अच्छा, बॉम सिस्टम है। फोन वाला बॉम है, जैसे फोन बॉम, चार तरह की बॉम होंगी। फोन बॉम, फोन से चार तरह की बॉम चलेगी। और एक टाइम बॉम है, उसमें कितना भी टाइमर लगा सकते हैं, एक घंटे दो घंटे पूरा चल सकता है। इसके बारे में बताओ, बताओ बताओ इसके बारे में। करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ इनको। बताओ इसके बारे में बताओ। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये सिस्टम है, ठीक है। सही, मिनी वैक्यूम क्लीनर है, जो कि हमारा हम इसको छोटे प्रोसेस में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा वॉल्स जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं, क्लीन इंडिया। इसके बारे में, इसके लिफ्ट के बारे में बताओ, क्या है ये? बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। लिफ्ट प्रोसेस है, जो कि आजकल बाईपास। इसे अप डाउन करके दिखाओ। एक लिफ्ट प्रोसेस है, जो कि आजकल भारत में बाईपास अधिक बनना है, जिससे किसानों की भूमि पर अधिकार किया जाता है। एक उसके माध्यम से बाईपास में दी जाते हैं, उसके माध्यम से आराम से दी जाते हैं। ओके, बताओ इसके बारे में, बताओ क्या है ये? ये सर वायरलेस ऑडियो डाटा ट्रांसफर है सर। यहाँ से भी जो उसके बने सर, उसके मोबाइल से डाटा दिया जाता है। उसके बाद ये वायरलेस साउंड सिस्टम है ये आपका? ये सौर पैनल है, ये है सौर पैनल। इसके द्वारा हम सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा इससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। हाँ, ठीक है, बताओ। क्या तो एनर्जी अंतरिक्ष एक्सरसाइज प्रोसेस बोलते हैं।
कटा के बताना चाहिए। इसको वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, बताइए इसके बारे में, बताइए क्या है सिस्टम है ये, सिस्टम के बारे में बताओ। हाँ क्या बनाया है ये आपने बताओ। सीमा जया महर, इसके बारे में बताओ भाई। नमस्कार, और सब अरे बताओ भैया, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, बैठ के बताओ, बैठ के ये वीडियो बना रहा है, तुम बैठ के बताओ, बताओ। इसमें हमने कार्बन ने डाला एक ग्लास पानी, एक ग्लास पानी उसमें कार्बन आया, इन दोनों को मिलकर के अच्छी चिलिंग गैस बनती है। ओके, इसके द्वारा हम बेल्टिंग आदि कर सकते हैं। ठीक है, चल रहा है। इसको मास्क कार्बोनेट डाला जिसमें सांद्र एसीएल डालने पर, इसको मास्क को हटा करके बैठ के बताओ। लेड कार्बोनेट में सांद्र एसीएल डालने पर पीवीसीएल टू एस टू तथा सीओ टू बनती है। पीवीसीएल टू का लवण ये झाग के रूप में दिखाई पड़ता है। ओके, जितिन भरत, यस, ये ज्वालामुखी है ना, फटेगा बैठ के बताओ, मैं तुम्हारा वीडियो ले रहा हूँ, बताओ इसके बारे में बताओ क्या है ये। अच्छा हाँ बोलो। ओके, हाँ थोड़ा तेज बोलो। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड का एक नाम होता है। ओके ओके, ठीक है, इसके बारे में क्या है। बताइए बैठ के बताइए, बैठ के बताइए, मास्क कटाओ, मास्क कटाओ, हाँ बताओ। हाँ बोलिएगा, बोलिए जल्दी बोलिएगा। भैया उर्दू तरीके में विधि है, इसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी गुणा करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और साधारण विधि से जल्दी गुणा कर देते हैं। ओके, और ये जो है, थैंक यू, हमारे साइन कॉस टेन, इसके बारे में बताइए, बताइए क्या है ये। ये मैथ के टीचर हैं, विजेंद्र सर हैं, और ये इनके निर्देशन में बच्चों ने बनाया है, मैथ का प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर कर रहा है। मास्क हटाइए, इसके बारे में बताइए, ये आपने मैथ के लिए बनाया है, ये बेलन है। जी जी जी, ये आपका शंकु है, ये आपका आयत है, और ये वर्गाकार, इसको आप मॉडल के द्वारा दिखाना चाहते हैं। यस सर, रामानुजन श्रीनिवासाचार्य जो आपके गतज्ञ हैं उनके जन्म पर बनाया आप लोगों ने। यस सर, ठीक ठीक, बहुत सुंदर, ठीक है, आप बताइए आपने क्या बनाया ये। अच्छा गणित का, ये केसी सर हैं, ये केसी सर हैं, और इनके मैथ के निर्देशन में ये देखिए गणित का काम बनाया, कितना अच्छा इन्होंने बनाया है, ये क्या क्या है बताइए बच्चे। ओके ठीक, बहुत सुंदर वीडियो बन रहा है ये, बोलिए क्या बनाया है ये आप लोगों ने। मास्क हटाइए, बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ जी जी, करना पानी वेस्ट नहीं होगा, मतलब वर्षा का पानी यूज कर सकते हैं हम ठीक से। ओके जी, आयुर्वेद, आयुर्वेद, ओके, ओके ओके, आप बताइए आपने क्या बनाया ये इस मेले में आपने। हाँ, इससे क्या लाभ है। इससे पौधों में पानी जाएगा, इससे पानी की बचत होगी और पौधों में उनकी आवश्यकता, मतलब किसान इसका ठीक से प्रयोग करेंगे और इसे सब रात्रि में भी प्रयोग कर सकते हैं।
और जिन छात्रों के हॉल में बैग रह गए वो अपने बैग ले आए, बताइए इसके बारे में, बताइए बैठ के बताइए, बताइए क्या है ये बैग रह गए। ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये नेफ्रॉन होती है। जिन भैयाओं के पास तीन इसके बारे में बताइए बैठ के बताइए, बैठ के बताइए। ये एक जलीय जीव है, और ये जो है ये इसकी जल खानी है, इसके माध्यम से जल का परावर्तन होता है, ये इसकी जल खानी है जिसमें भोजन का निर्माण होता है, और ये कुछ निश्चित माध्यमों के द्वारा हमारा पूरे शरीर में। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, ठीक है। इसके अंदर दो मित्र होते हैं, बोलिए इसके बारे में क्या बनाया आपने? मास्क हटाइए, हाँ नहीं चेहरा नहीं दिखाई देगा ना आपका। हाँ बोलिए 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 जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर है, इसमें जब हम पानी पीते हैं तो ये पानी को प्योरीफाई करती है, उसके बाद ये यूरेटर से जाके यूरिनरी ब्लैडर से बाहर के माध्यम से बाहर निकालती है। क्या नाम है आपका? अच्छा, विद्यालय का नाम बताइए, विद्यालय का नाम बताइए, अपने विद्यालय का नाम बताइए। सरस्वती विद्या मंदिर। ओके ओके ओके, आप बताइए आपने क्या बनाया ये? यह प्रोजेक्ट भारत जी बैठ के बताइए। ये भारी इसके अंदर वाली अंदर भरा होता है, हाँ बताइए क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मीनाक्षी शर्मा। अच्छा बताइए बताइए। खुश की जी रही है, नदी का नलबड़ी जलों में पाया जाता है, जो ये सीलिया बोलते हैं, कमल करते हैं, और इसमें दो प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं, लघु केंद्र, माइक्रो न्यूक्लियस केंद्र।